मिमी कैसी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी? सो यू डोंट नो? क्या हुआ, खैरियत? शायद कल शाम को एक्सीडेंट हो गया। राशिद मिन्हास की जिंदगी पर बना लॉन्ग प्ले। राशिद मिन्हास शहीद। राशिद मिन्हास की 14वीं बरसी पर 20 अगस्त 1985 को पीटीवी पर दिखाया गया। इस प्ले का दौरानिया 1 घंटा 33 मिनट था। ड्रामे को तहरीर करने के साथ हिदायत भी शहजाद खलील ने दी। ड्रामा पाक फजाइया के तावन से बना। कास्ट में कुछ फनकार प्रोफेशनल थे, बाकियों का ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स से था। अदाकारा मरीना खान का ये पहला ड्रामा था जिन्होंने बाद में तन्हाइयां और धूप किनारे से अपना एक अलग नाम बनाया। ड्रामे की कास्ट में पाक फजाइया के ये लोग शामिल थे: फारूक इकबाल, इकबाल हैदर, आसिफ जब्बार, आदिल राशिद, शाहिद अलवी और रहीम यूसुफ जई। जबकि बाकी फनकारों में मरीना खान, नैयर कमाल, जफर अली, शाहिदा मुईन, हुमा अकबर, यास्मीन इस्माइल और फरजाना इरफान शामिल थे। इस वीडियो के आखिरी हिस्से में आप इस ड्रामे से लिए गए चंद क्लिप्स देखकर खुद को माजी की हसीन यादों में ले जाएं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अलबत्ता शाहिद को बहुत फर्क पड़ गया है। वो कहता है कि पायलट के लिए जहाज ना उड़ाना ही उसकी मौत है। नहीं मिनी, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। यूं भी शादी ब्याह के मामला इस तरह तय नहीं किए जाते। वैसे भी मेरा ख्याल है कि ये बात अभी तुम अपने जहन से निकाल ही दो। ये तुम्हारी कल की सोलो फ्लाइट का तोहफा है। ये तोहफा नहीं है डैडी, मैं आपको जानता हूँ, आप अपना पैगाम दोहरा रहे हैं। पिछली घड़ी की तरह आज आप फिर मुझे वक्त की इंपॉर्टेंस का एहसास दिला रहे हैं। ये ट्रेनिंग के दिन भी अब एक ख्वाब की तरह जहन के एक कोने में रहेंगे। मिसालपुर जो अरसे से मेरा मुस्तकबिल था, आज के बाद माजी बन जाएगा। मेरे थ्रू उसने इसलिए कहलवाया कि वो आपसे कह नहीं पा रहा था। कौन है वो लोग? लाहौर में रहते हैं। लड़की का नाम फरा है और बाप नजीर साहब बिजनेस करते हैं। सर, आई जस्ट गॉट अ मैसेज फ्रॉम द टार दैट एन एयरक्राफ्ट हैज टेकन ऑफ विदाउट परमिशन एंड ही इज टर्निंग लेफ्ट। आई विल चेक बैक एंड लेट यू नो सर।